हेलो बच्चों, सो लेट्स अंडरस्टैंड अ क्वेश्चन। इन द क्वेश्चन, अ बकेलाइट बीकर हैज वॉल्यूम कैपेसिटी ऑफ 500 सीसी एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड। व्हेन इट इज पार्शियली फिल्ड विथ वीएम वॉल्यूम एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ मर्करी, इट इज फाउंड दैट अनफिल्ड वॉल्यूम ऑफ द बीकर रिमेन कॉन्स्टेंट एज टेम्परेचर इज वेरीड। सो बच्चों, एक बीकर के अंदर हमने मर्करी भरा है, ये मर्करी है और ये बीकर है। तो अनफिल्ड वॉल्यूम का मतलब बच्चों जितना पार्ट खाली है, तो इतना पार्ट खाली है दैट इज अनफिल्ड वॉल्यूम। और हमसे बोला गया है कि टेम्परेचर जब हम चेंज कर रहे हैं तो अनफिल्ड वॉल्यूम इफेक्ट नहीं हो रहा। तो बच्चों, अगर टेम्परेचर अगर हम बढ़ाते हैं तो यहाँ पर बीकर का वॉल्यूम और मरकरी का वॉल्यूम दोनों एक्सपांड करेगा। तो मान लेते हैं हम आफ्टर सम टाइम सिचुएशन कुछ इस तरीके से हो गई कि कंटेनर का वॉल्यूम भी बढ़ गया और मरकरी भी एक्सपांड कर गई, लेकिन जो एम्प्टी वॉल्यूम है वो अभी भी कितना है, इनिशियली अगर वी लिया तो वो अभी भी वी रहा। तो हमसे पूछा है कि गामा इज द कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, देन वीएम इन सीसी बताना है। वीएम मींस व्हेन इट इज पार्शियली फिल्ड विद वीएम वॉल्यूम, मरकरी का वॉल्यूम बताना है। तो बच्चों, यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे कर सकते हैं, हम दोनों का वॉल्यूम का डिफरेंस, कंटेनर का वॉल्यूम एंड मरकरी का वॉल्यूम का डिफरेंस कॉन्स्टेंट कर सकते हैं। सो बीकर का वॉल्यूम हम कैसे लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ बीकर इज इक्वल्स टू, वी कैन यूज द एक्सप्रेशन दैट इज वीवी इज इक्वल्स टू वी नॉट इन टू 1 प्लस गामा वीकर इंटू डेल्टा टी, ये हम यूज कर सकते हैं। टेम्परेचर चेंज करने के कारण बीकर का जो नया वॉल्यूम होगा वो लिख सकते हैं वी नॉट इनिशियल वॉल्यूम ऑफ द बीकर इंटू 1 प्लस वी नॉट इज द इनिशियल वॉल्यूम ऑफ द बीकर एंड 1 प्लस गामा फॉर बीकर वॉल्यूमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ बीकर इंटू डेल्टा टी। सिमिलरली बच्चों, हम मरकरी के लिए लिख सकते हैं मरकरी का जो नया वॉल्यूम होगा चेंज इन टेम्परेचर के बाद, दैट इज इनिशियल वॉल्यूम ऑफ द मरकरी इंटू 1 प्लस गामा ऑफ मरकरी इंटू डेल्टा टी, ऐसे हम लिख सकते हैं। तो ये जो डिफरेंस आएगा बच्चों वी वी माइनस वी एम डैश, ये किसके इक्वल होगा, इनिशियल डिफरेंस, इनिशियल डिफरेंस हम ले सकते हैं वी नॉट माइनस वी एम। तो यहाँ से हम अगर इसको रखेंगे तो हम लिख सकते हैं वी नॉट इंटू 1 प्लस गामा बी डेल्टा टी माइनस वी एम इंटू 1 प्लस गामा एम डेल्टा टी इज इक्वल्स टू वी नॉट माइनस वी एम। सो यहाँ से हमारा हो जाएगा वी नॉट माइनस वी एम प्लस वी नॉट गामा बी डेल्टा टी माइनस गामा एम डेल्टा टी इक्वल्स वी नॉट माइनस वी एम। सो वी नॉट वी एम, वी नॉट वी एम कट जाएगा बच्चों। सो हम देख सकते हैं वी नॉट इंटू गामा बीकर इंटू डेल्टा टी इक्वल्स गामा फॉर मरकरी इंटू डेल्टा टी, गामा मरकरी, और यहाँ पर बच्चों एक टर्म छूट गया हमारा वी एम। तो बच्चों यहाँ पर ये टर्म हम वापस लिख लेते हैं, वी एम हमारा टर्म छूट गया था यहाँ पे, तो यहाँ पर वी एम का मल्टीप्लाई और करना है वी एम। सो ये डेल्टा टी कट जाएगा बच्चों। तो हमारे पास रिलेशन क्या बना, हमारे पास रिलेशन जो बना वो फाइनली हम यहाँ लिख सकते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पर ही कर लेते हैं इसको। नेक्स्ट स्लाइड ओपन कर लेते हैं। सो बच्चों ये हो जाएगा हमारा V नॉट इंटू गामा बी, V नॉट इंटू गामा बी इक्वल्स वी एम इंटू गामा बी, वी एम इंटू गामा बी। अब बच्चों यहाँ पे हम वी एम इंटू गामा एम, गामा एम। तो अब हम देख सकते हैं यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि कॉफी वी एम इन सी सी, तो वी एम हम निकाल सकते हैं यहाँ से, वी एम विल बी वी नॉट इंटू गामा वी अपॉन गामा एम। तो वी नॉट हमको कितना दिया हुआ है, इनिशियल वॉल्यूम ऑफ द बीकर दैट इज गिवन टू अस 500 सीसी। तो इसको 500 रख देते हैं बच्चों। गामा फॉर बीकर कितना दिया है, गामा फॉर बीकर दिया है 6 × 10⁻⁶। तो ये हो जाएगा 6 × 10⁻⁶ एंड गामा फोर मरकरी कितना दिया है, गामा फोर मरकरी इज गिवन 1.5 × 10⁻⁴, 1.5 × 10⁻⁴। सो यहाँ से बच्चों इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हमारी निकल कर आएगी 20 सीसी के कॉरस्पॉन्डिंग, सीसी में 20 सीसी।
तो हम देख सकते हैं ये इस तरीके से 4 टाइम्स कैंसिल करेगा इसको, 10 की पावर -2 बचेगा ये, और 10 की पावर -2 इसको कैंसिल कर लेगा, तो 20 cc आ जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट बच्चों। तो 20 cc इज द करेक्ट आंसर विच इज गिवन इन ऑप्शन, न्यूमेरिकल टाइप है बच्चों। आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।